नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों सीटीटी की नई नोटिस आ गई है। जी हाँ दोस्तों, सीटीटी ने अपने ऑनलाइन करेक्शन को चालू कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज की है, जो कि जो है बहुत से लोगों को अपना मनपसंद एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिल पाया था, जैसा कि आपको पता होगा। तो उन्होंने दोबारा से कुछ सेंटर वगैरह ऐड किए हैं। आप जो है अगर आपको अपना मनपसंद का सेंटर नहीं मिला है, तो यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप अपने सेंटर को मॉडिफाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेंटर का जो है नया ऑप्शन आ चुका है। ये सुविधा बता दें 28 तारीख से जो शुरू हुई है, 3 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन सेंटर फिर से लिमिटेड है। कुछ जगह सेंटर बढ़े, अगर आपको मनपसंद सेंटर नहीं मिला है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी जो है फॉर्म में जो है गलती हो गई, तो उसको भी जो है आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी तारीख 28/11 से लेकर 3 दिसंबर के बीच है। करेक्शन करना बहुत ही सिंपल है, मैं बता दूं इसका लिंक वगैरह आपको सरकारीरिजल्ट.com और रोजगारीरिजल्ट.com पर मिल जाएगा। आपको क्लिक करना है, यहाँ ऑनलाइन करेक्शन वाले ऑप्शन पे जाना है। ये डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा सरकारीरिजल्ट.com रोजगारीरिजल्ट.com पर। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन आईडी वही है जो आपने फॉर्म भरते हुए की थी। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे, अगर आपको लगता है फॉर्म में कुछ गलती है, तो आपको यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन देख सकते हैं आ चुका है। लेकिन करेक्शन करने से पहले एक बार पहले व्यू कर लीजिए फॉर्म को, कोई गलती तो नहीं है। जो जो गलती है वो एक बार में करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको देखेंगे करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको सेंटर भी चेंज करना है, तब भी आपको यहाँ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आप सेंटर जो है चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।